अगर आप प्लेन इडली खा खा कर बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हेमा आज आपके लिए लेकर आई इंस्टेंट हूँ। रवा इडली की आज रेसिपी। हम बनाएंगे रवा इडली एक अलग ट्विस्ट के साथ, जो कि खाने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी होती है। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। चलिए मिलकर बनाते हैं रवा इडली। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रवा इडली बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी रवा। ये थोड़ा मोटा वाला रवा है, ये इडली बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। और साथ ही हमें चाहिए आधी कटोरी दही। अगर हम एक कटोरी रवा या सूजी ले रहे हैं तो हमें आधी कटोरी दही चाहिए होगा। और साथ ही हम इसमें डालेंगे इनो, जो कि जिससे हमारी इडली बिल्कुल फूली फूली बनेंगी। चलिए बनाने शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए एक बोल। बोल में सबसे पहले हम ऐड कर देंगे सूजी। यहाँ मैंने आधी कटोरी दही लिया है। दही को हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक। यहाँ मैंने आधी छोटी चम्मच से इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ये जिस कटोरी में मैंने दही दही निकाला था उसी कटोरी में मैंने इसमें पानी ले लिया है, इसलिए ये इस तरह से लग रहा है। हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसके बाद इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। अभी हमें थोड़ा सा पानी और डालने की जरूरत है। यहाँ लगभग मैंने आधी कटोरी पानी डाल दिया है, और पानी आधी कटोरी पानी डाल के इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसे हम 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हम अब इसमें जो चीज़ इसमें ऐड करने वाले हैं उसको तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक प्याज, बड़ा प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है, रफली चॉप कर लिया है। और साथ ही हमें चाहिए एक बड़ा टमाटर, जिसे इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है। पैन जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे एक बड़ी चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक चम्मच सरसों दाना। सरसों दाना हमारा क्रकल होने लगा है, अब मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच धुली उड़द दाल। ऐसे ही हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, वैसे ही हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और ट्रांसमिशन होने तक इसको पकाना है। बस हमें प्याज का कच्चापन निकालना है। प्याज हमारी ट्रांसमिशन हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर रखा हुआ था, चला देंगे। तो हमें गलने तक पकाना है। जैसे ही टमाटर हमारा बीच गलने लगेगा वैसे हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। टमाटर हमारा गलना शुरू हो गया है, इस समय पर हम ऐड करेंगे इसमें थोड़े से मसाले। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही इसमें डाल देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हमने इडली के बैटर में भी नमक डाला था, तो इसलिए हम इसमें नमक थोड़ा सा ही डालेंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं, ये मैशी हो गए हैं टमाटर हमारे, एकदम मसाले भी हमारे बन गए हैं। गैस को कर देती हूँ मैं ऑफ। मिक्सचर को हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। जब तक इडली का बैटर हमारा रेस्ट कर रहा है और हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक हम स्टीमर में पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। स्टीमर में 2 ग्लास पानी डालकर हम इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। बैटर को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो 20 मिनट बाद सूजी फूल चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो मिक्सचर हमने तैयार किया था। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है,
अब ये मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है, ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी में है ये। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, लगभग 2 चम्मच। अब इसे हम फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी टाइम पर हम अपने इडली प्लेट्स को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसी टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। इसके बाद हम तुरंत इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालते ही एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा। इसे हमें जल्दी से मिक्स करना है। इसको हमने बस जल्दी से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हम तुरंत अपने इडली के सांचों में इसको हम जल्दी से डाल देंगे। इनो डालने के बाद हमें इसे रखना नहीं है। ये हमारा गर्म हो चुका है, हमने इसमें लगा दिया है। तीनों स्टैंड्स को इसमें लगाने के बाद हम इसे कवर कर देंगे, और कम से कम 10 से 12 मिनट इसको पकने देंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। और गैस की फ्लेम को इस समय हाई पर रखना है। लगभग 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी इडली को चेक कर लेते हैं। अब हम एक टूथपिक लेंगे, या इसकी जगह हम नाइफ भी ले सकते हैं। अब हम इसे इसमें डालकर देखते हैं। ये देखिए टूथपिक हमारा बिल्कुल क्लीन आ रहा है। ये देखिए, इसका मतलब इडली हमारी तैयार हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। गैस को ऑफ कर दिया है, और हम अपने से ठंडा होने देते हैं। इसी तरह से जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसे एक नाइफ की सहायता से इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी आराम से हमारी इडली निकल चुकी है। ये देखिए हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया इडली हमारी बनकर तैयार हो गई है, कितनी प्लफी बनी हुई है। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी जाली पड़ी हुई है। ये देखिए, मैं एक आपको इस तरह से तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी जाली पड़ी हुई है, ये पूरा स्पॉन्जी बनी हुई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।